ये बड़ी खुशखबरी आपको दी है कि वीजा मिल गया। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे सिहाब भाई को लेकर और हमारे जो पंजाब के शाही इमाम साहब हैं उनको लेकर। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। वीडियो आखिर तक देखना मेरे दोस्तों, और वीडियो को मिस मत करना और ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, काफी बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2022 और सिहाब भाई को दोस्तों आज घर से चले हो चुके हैं, 192 दिन हो चुके हैं दोस्तों, 192 दिन, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, कल जो है हमारे पंजाब के शाही इमाम साहब आफिया स्कूल पहुंचे थे, आप सब ने पता है, वीडियो भी अपलोड की थी हमें और सोशल मीडिया पर काफी वीडियो भी आ चुकी थी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, जो शाही इमाम साहब हैं पंजाब के, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको दी है कि वीजा मिल गया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद बात करते हैं। इंशाल्लाह दिसंबर में पूरी उम्मीद है कि शाहब भाई का सफर जो है अल्लाह ने चाहा वो जो शुरू हो जाएगा। शाहब भाई इंशाल्लाह हज पर जाएंगे अल्लाह ने चाहा, और ये सफर जो है दोबारा शुरू भी होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं कि शायद वापस जा रहे हैं, या कुछ ये करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लोग दोनों हुकूमतों के मुतालिक लिखते हैं कि ये लेटर चाहिए वो लेटर, सब जो है अफसानवी बातें। मतलब जब उनको हकीकत पता नहीं है तो वो गुफ्तगू क्यों करते हैं। और हाँ, मेरा आपसे ये ज़रूर वादा है, इंशाल्लाह ये यहाँ से रवाना हो जाएं और मक्का मुकर्रमा जब पहुँच जाएंगे, तो जिन जिन लोगों को किस्सा जाना सुनने की आरजू है कि इन 2 महीनों में किस तरह वीज़ा लिया गया, किस तरह किन लोगों ने इसमें हमारी मदद की, और कौन कौन लोग जो थे वो अम्बेसी तक जाते थे, वो इंशाल्लाह सारी बातें शाहब भाई खुद एक टाइम आएगा, ये या मैं या जुनैद भाई कभी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे, ये सफ़र हो जाएगा तो ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो मेरे लिए, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, सब ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आगे सफ़र के लिए आप भी दुआ करो, इंशाल्लाह हर वक्त में सब उम्मत के लिए, पूरा दुनिया हिंदुस्तान के लिए मैं भी दुआ करेगा। दोस्तों, आपने वीडियो में सुना कि शाही इमाम साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि सिहाब भाई को 2 महीने में मतलब वीजा कैसे मिला, इस पर हम जो है यानी जब सिहाब भाई का सफर चालू हो जाएगा तो जब जो है हम जुनेद भाई या शाही इमाम साहब इस पर डिटेल में आपको बताएंगे, यानी 2 महीनों में क्या क्या हुआ वीजा लेने के लिए, ठीक है। आपने ध्यान से सुना होगा मेरे दोस्तों, शाही इमाम साहब ने कहा है कि वीजा मिल गया, मतलब मिल गया कैसे मिला, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और सुन, लोगों को किस्सा जाना सुनने की आरजू है कि इन 2 महीनों में किस तरह वीजा लिया गया, किस। तो मेरे दोस्तों, जो झूठ और सच पर बात होगी, अब काफी दिन से कुछ यूट्यूबर थे, पाकिस्तान के भी थे, इंडिया के भी थे, ये न्यूज चल रही थी, रिकमेंडेशन लेटर भारत सरकार नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन शाही इमाम साहब ने ये कहा कि रिकमेंडेशन लेटर का यानी पाकिस्तान सरकार का, इंडिया सरकार का लेटर वेटर का कोई चक्कर नहीं था, हमें जो है आपसे बताया था मेरे दोस्तों वीजा मिल गया, लेकिन डेट जो है अभी सिहाब भाई को नहीं मिली। लेकिन शाही इमाम साहब ने दोस्तों ये हमसे खुशखबरी दी है कि इसी महीने यानी दिसंबर में सिहाब भाई का सफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों उसमें 5 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, वो कह नहीं सकते मेरे दोस्तों, क्योंकि डेट पाकिस्तान की तरफ से मिलनी मेरे दोस्तों, और वहां पर सुना है कुछ सिक्योरिटी का भी मसला है, जुनैद भाई ने 2-3 वीडियो में खुलासा भी किया है, मतलब मैं नहीं कह रहा इस बात ने, जुनैद भाई ने कहा था दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है, भाई को वीजा मिल गया, बस अलविदा डेट इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, और हो सकता है 2-3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मिल सकती है मेरे दोस्तों। लेकिन जो मेन काम था यानी वीजे का और कागजी कार्रवाई का, वो हो चुका, और इंशाल्लाह सिहाब भाई सफर करेंगे। और आज 10 तारीख में भी दोस्तों एक लाइव चल रही है एक चैनल की, उसका थंबनेल तो मैं दिखाता नहीं, चलो छोड़ो, कल भी हमने इस बात पर बात की थी, ठीक है। लेकिन अब भी वो लाइव चल रही है कि सिहाब भाई अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, शाही इमाम साहब ने, जुनैद भाई ने, सब ने ये कहा कि इंशाल्लाह काम होगा, सिहाब भाई सफर करेंगे। जब मैं दोस्तों सिहाब भाई से आज से 6 से 7 दिन हो लिया, 8 दिन के करीब, जब मैं मिल के आया तो दोस्तों मुझे मिलने के बाद वीडियो बनाई थी कि सिहाब भाई का काम हो चुका, डेट का इंतजार है। लेकिन दोस्तों वो सच था, आज भी यही बात इमाम साहब ने कही और हमारे जुनैद भाई ने कही, ठीक है। तो इंशाल्लाह सफर होगा, और आप जो है मायूस ना हो, जो फेक वीडियो है उन पर ध्यान ना दे,
और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह हर अपडेट जो है सिहाब भाई की, जब तक सिहाब भाई मतलब हजम नहीं करते तब तक इंशाल्लाह आपको सही अपडेट दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश।